नहीं देखने दी पापा ने, हमेशा इन चीजों से अलग रखा। शायद हमारे रहन सहन से पता भी चल जाता है हम इन चीजों से अलग रहे। उसके बाद नाना को देखा है मैंने, नानी को देखा है। गांव में डेरा हुआ करता था, वहाँ बाबूजी होते थे, चेयर पे बैठ जाते थे, मेरे दादा ऐसे, मेरे नाना नीचे ऐसे बैठ जाते हाथ जोड़ के, क्योंकि वहाँ गोबर उठा देते मेरे नाना। मैंने नाना की स्थिति देखी है, बताते हैं वो अगर कुछ पंचायत होती थी, अगर दलित कोई कुछ कर देना, हमारे कास्ट का कोई कुछ गलत कर देता था तो बुलाते थे फलाने के, उसको बुलाओ कैसे हो गई उसकी लड़की की हिम्मत। अगर उनका बड़ी कास्ट का लड़का छोटी कास्ट की लड़की को छेड़ रहा है तो गलती छोटी कास्ट की लड़की की है, उनके लड़के की नहीं होती थी। तो कहते थे बुलाओ फलाने की लड़की को, कैसे कैसे ये करा, बुलाओ, इल्जाम कैसे लगाया हमारे बेटे पे, उसको बुलाओ। तो स्थिति देखती आई हूँ, अभी तक देखा है, बहुत गलत थी। तो चाहत थी कि सब कुछ बदले, सब एक हो। दुख होता है जब कोई ना एक नहीं होता ना, तो बहुत दुख होता है। और यहाँ बोला है जैसे कि एक पौवे पे ना जिंदगी अटकी रहती है, यह हकीकत है, एक पौवे पे जिंदगी अटकी रहती है, और जो बन गया उनकी दौलत पे जिंदगी अटकी रहती है। समाज के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है ना, तो थोड़ा सा करो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो पढ़ लिया वो सब कुछ कर गया, बिना पढ़े कुछ भी नहीं है। आज मुझे कोई इसलिए सम्मान नहीं दे रहा कि मैं इस कास्ट से हूँ, मुझे सम्मान से मेरी एजुकेशन की वजह से मिल रहा है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अपने पापा का करती हूँ। मेरे पापा अगर नहीं पढ़ाते ना, सबसे लड़ के झगड़ के हमें कास्ट छिपा छिपा के हमें पढ़ाया है हमारे पापा ने, तो आज मैं यहाँ पर हूँ अपनी एजुकेशन की वजह से हूँ, और इसलिए सबका धन्यवाद।